अक्षय कुमार की पृथ्वीराज वाकई डिब्बा बंद हो गई है? संजय दत्त की तबीयत बिगड़ने से फिल्म की शूटिंग पर क्या असर पड़ रहा है? कब कब कौन कौन सी फिल्में शूट करने वाले हैं अक्षय कुमार? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनी कजुआल। अक्षय कुमार की फिल्में पिटारे में बेहद कुछ खास है, लेकिन पृथ्वीराज एक ऐसी फिल्म है जिसका सभी को इंतजार हो रहा है। रानी सहयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी इसमें दिखाई जाएगी, लेकिन कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म डिब्बा बंद हो चुकी है। यशराज बैनर तरी ये फिल्म बन रही थी, लेकिन अब ये फिल्म नहीं बन रही है क्योंकि संजय दत्त भी अब इसकी शूटिंग नहीं कर पाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब है। ऐसी बातें फिल्मी गलियारों में चल रही थी, तो आप ऐसी बातों पर भरोसा ना करें क्योंकि YRF का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। YRF ने बहुत ज़्यादा तैयारियाँ इस फिल्म के लिए की है, फिर चाहे वो VFX हो या बाकी चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें दिया जा रहा है। तो ये फिल्म डिब्बा बंद नहीं हो रही है। और संजय दत्त की बात करें तो 2 हफ्तों का उन्होंने शूट कम्प्लीट कर लिया था जयपुर में, जब ये लोग थे। मानुषी छिल्लर भी वहाँ पर थी जो कि सहयोगिता का किरदार निभाने वाली है। तो अब ये हो सकता है कि अगर इस फिल्म की शूटिंग जल्दी करनी है, संजू बाबा नहीं होंगे, तो हो सकता है संजय दत्त को रिप्लेस किया जाए और रीशूट किया जाए, लेकिन ये फिल्म ज़रूर बनेगी। शूटिंग कब शुरू हो सकती है? पहले अक्षय कुमार का स्केड्यूल जानना ज़रूरी हो जाता है। बेल बॉटम की इस वक्त तो शूटिंग कर रहे हैं, 21 अगस्त से लेकर 24 सेप्टेम्बर तक वो बेल बॉटम की शूटिंग करेंगे स्कॉटलैंड में। उसके बाद वो इंडिया आएंगे। इंडिया में तब तक धनुष और सारा अली खान अपना शूट कंप्लीट कर लेंगे मदुराई में, और उसके बाद 1 महीने का शूट बच जाएगा अक्षय कुमार का अतरंगी रे का। तो यानी इंडिया के वो पहले अतरंगी रू की शूटिंग पैच यानी इंडिया के वो अतरंगी रे की शूटिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाकर पृथ्वीराज का नंबर आएगा। 11 दिसंबर तक ये शूट चलेगा, 45 डेज की शूटिंग बाकी है पृथ्वीराज की मात्र। तो पृथ्वीराज का शूट वो करेंगे, के बाद नंबर आएगा बच्चन पांडे का, और फर्स्ट वीक से शुरू होगा अगले साल बच्चन पांडे। साथ ही दिवाली में रक्षाबंधन भी रिलीज़ होनी है, तो इसकी शूटिंग भी कंप्लीट करनी होगी, यानी कि मिड मार्च पृथ्वीराज 2020 रिलीज़ होगी 2021 में। 2021 में ये फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी और 2021 में इसे रिलीज़ किया जाना है। अक्षय कुमार का बहुत ही पैक्ड स्केड्यूल है। इसके अलावा जब सूर्यवंशी थिएटर पर रिलीज़ होगी तो उसके प्रमोशन में भी जाना पड़ेगा। तो जब इसका प्रमोशन अक्षय कुमार करेंगे तो पृथ्वीराज और बाकी फिल्मों की शूटिंग में डिले हो जाएगी। तो ये सारा स्केड्यूल है अक्षय कुमार का, और एक खबर गलत है कि पृथ्वीराज नहीं बन रही है। अगर आपको पृथ्वीराज का इंतज़ार है तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप ऐसी बातों पर यकीन ना करें और पृथ्वीराज जरूर बनेगी। तो दोस्तों, आपको अक्षय कुमार की बाकी फिल्मों और पृथ्वीराज का कितना इंतजार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए, फिल्मी रिव्यूज के लिए, बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।